नमस्कार व्यूअर्स, नीट का एग्ज़ाम कब होगा, जेई का एग्ज़ाम कब होगा, सारे स्टूडेंट के मन में एक ही क्वेश्चन। डेली मेरे पास फ़ोन आते हैं, सर नीट का एग्ज़ाम कब होगा, जेई का एग्ज़ाम कब होगा। अभी नीट एंड जेई का एग्ज़ाम कब होगा पूरा कैलकुलेट करके एग्जैक्टली डेट तक आज बताने की कोशिश करेंगे। अगर कोरोना वायरस का सारे चीज़ इसी हिसाब से चलते हैं तो प्रोबेबल डेट, फाइनल डेट, फिक्स डेट आज इस यूट्यूब चैनल में बताएंगे, जो कोई चैनल में अभी तक डेट पब्लिश नहीं किए, ना गवर्नमेंट पब्लिश किए। लेकिन आज इस कैलकुलेशन को देख लीजिए, आपका डेट मिल जाएगा। तीन तीन बार पल्स बायोलॉजी का नीट में जो कट ऑफ बोला गया है कट ऑफ हुआ है लास्ट थ्री इयर्स में। आज पहले बार नीट का डेट बोल रहा है जे 9th अगस्त होगा, बट कितना अगस्त होगा एंड तक देखिए, पूरा कैलकुलेशन अनुसार देखिए इस वीडियो चैनल को, तो आपको पता चलेगा इस बार नीट एग्जाम कब होगा एंड जेई एग्जाम कब होगा। नमस्कार, आप देख रहा है पॉल्स बायोलॉजी पॉल्स एडुकेशन यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मिस्टर प्रकाश रंजन पॉल। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो सारे बच्चों आज पूछ रहा है जे नीट का एग्ज़ाम कब होगा। व्यूअर्स स्टूडेंट्स, 27th अप्रैल पहले बार इस YouTube चैनल में सारे चीज़ क्लियर करेंगे। आप सारे YouTube घूम के देख लीजिए इस इंफॉर्मेशन कहीं पे मिलते हैं तो। 27th अप्रैल UGC दैट इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने चार चीज़ बोला है। नंबर वन, एकेडमिक सेशन जो है ओल्ड स्टूडेंट का वो 1st अगस्त स्टार्ट होगा। एकेडमिक सेशन 2020-21 का एकेडमिक सेशन 1st अगस्त, एंड जो न्यू स्टूडेंट होगा, जो लोग अभी MBBS में जाएंगे, न्यू स्टूडेंट का 1st सितंबर में स्टार्ट होगा। सेकेंड, UGC बोले हैं अभी 1st जून से 30 जून तक कोई कॉलेज चाहे तो, कोई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज चाहे तो वो समर वेकेशन दे सकते हैं। थर्ड, एवरी कॉलेज में, एवरी यूनिवर्सिटी में एक तो COVID-19 सेल होगा। इस COVID-19 सेल के थ्रू बच्चों का जो एकेडमिक प्रॉब्लम्स है एंड उसका जो एग्ज़ाम रिलेटेड प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम का डेट रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सॉल्व आउट होगा। एंड नंबर फोर, जो स्टूडेंट लोग फॉरेन में, कोई भी कंट्री में, कोई रशिया में, कोई यूक्रेन में, कोई ताइवान में, जो लोग मेडिकल करके इंडिया में आ रहे उसको प्रैक्टिस के लिए, इंडिया में प्रैक्टिस के लिए जो एग्ज़ाम होते थे वो FMG फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जो 28 जून को होने वाला है, इस 28 जून को होने वाला था, वो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुके। 28 जून का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होके अगस्त और सितंबर, अभी भी गवर्नमेंट डेट नहीं दिया, अगस्त और सितंबर उन्होंने बोला है होगा। अगर 28 जून का एग्ज़ाम अगस्त और सितंबर में होगा तो जून में तो कभी नीट बजे यही एग्जाम होगा ही नहीं। अभी कैसे आप कैलकुलेट करके देखिए इस चीज को। पहले आपको पता था जे जेई एग्जाम जो है फर्स्ट हाफ ऑफ द अप्रैल में होने वाला था, नीट एग्जाम आज के डेट में, आज थर्ड में है, आज नीट का एग्जाम होने वाला था। लेकिन उसके बाद क्या पता चला, जिन मई का एंड में एग्ज़ाम होगा, लेकिन उस टाइम लॉकडाउन कब था, 14th अप्रैल तक। उसके बाद लॉकडाउन बढ़ गया 3rd मई तक, उसके बाद लॉकडाउन बढ़ गया 3rd फेज में अभी 17th मई तक। अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आप सबको पता है NTA ने एक कंडीशन है JEE कराने के लिए, बट नीट कराने के लिए, नंबर वन ये कोरोना का जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो क्राइसिस चल रहा है, पहले इस क्राइसिस ख़त्म होना चाहिए, एग्ज़ाम तो होते रहेगा, फर्स्ट तो कंट्री सेफ होना चाहिए, ह्यूमन बींग सेफ होना चाहिए, तो फर्स्ट कोरोना क्राइसिस बंद होना चाहिए। एंड नंबर टू, बहुत सारे स्टेट में अभी भी बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ है, CBSE, IAS का अभी सारे बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ है, वो बोर्ड एग्ज़ाम पहले ख़त्म होगा, उसके बाद JEE नीट का बाद आएगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम एंड जो कोरोना जो सिचुएशन, ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, तो अभी जाके नीट एग्ज़ाम और JEE एग्ज़ाम हो सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे जे कैसे ये डेट पॉसिबल है। अगर सोचते जे कोरोना चला गया एंड लॉकडाउन भी 17th मई में अगर उठ गया, इसी हिसाब से बोल रहे 17th मई में अगर लॉकडाउन उठ जाते, कोरोना प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते, तब भी उसके पहले क्या हो रहा है इंडिया में, आप जानते हैं जे 3 जोन है, एक है रेड जोन, एक है ऑरेंज जोन एंड और एक है ग्रीन जोन। अभी
ये जो गवर्नमेंट ने रेड जोन, ऑरेंज जोन एंड ग्रीन जोन दिए, 14 डेज गवर्नमेंट ऑब्जर्व करेगा जो रेड जोन के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो रहा है, ये रेड ऑरेंज हो रहा है कि नहीं, पर 14 डेज में ऑरेंज ग्रीन हो रहा है कि नहीं वो देखेंगे। तो रेड जोन में कितना दिन उसको देखना है, 14 डेज, ऑरेंज जोन को 14 डेज, ग्रीन जोन को 14 डेज देखना है। अगर सोचिए 14 डेज के अंदर सारे रेड वाले ऑरेंज हो गया और ऑरेंज वाले ग्रीन हो गया एंड रेड भी ग्रीन हो गया, अगर 14 डेज के अंदर सारे रेड एंड ऑरेंज ग्रीन हो जाते तो एग्ज़ाम अगस्त के पहले ही जुलाई के एंड में, जुलाई में हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होते, चांसेस नहीं है जे रेड सारे ग्रीन हो जाएगा, ऑरेंज सारे ग्रीन हो जाएगा, तो अगर ये रेड कुछ ऑरेंज होता है, ऑरेंज भी रेड हो सकता है और ग्रीन भी रेड ऑरेंज व रेड हो सकता है, एटलीस्ट ग्रीन ऑरेंज तो हो ही सकता है। तो ये जो कोरोना केसेस, इसमें किंतु कंफर्म नहीं है कि सारे ग्रीन होगा, मान के चलिए जे अगर कुछ ऑरेंज भी रह गया तो फिर 14 डेज, अगर सारे ग्रीन नहीं हुआ तो फिर 14 डेज ऑब्जर्व करेंगे। 14 डेज ऑब्जर्व करने के बाद भी अगर सारे 14 डेज के अंदर तो रेड ग्रीन नहीं होगा, इन दैट केस और 14 डेज। तो अपेरेंटली अगर इसको हम लोग देखें, मैक्सिमम केसेस में 14 एंड 14 × 3 दैट इज 42 डेज, 42 डेज के अंदर अगर ये प्रॉब्लम ख़त्म होते हैं, तीन बार अगर रेड ऑरेंज ग्रीन में 42 डेज में अंदर अगर एग्ज़ाम, अगर ये प्रॉब्लम ख़त्म होते हैं, कोरोना रिलेटेड प्रॉब्लम अगर ख़त्म होते हैं, तब जाके स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम होगा, तब जाके बोर्ड एग्ज़ाम होगा, नीट ये ही नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम होगा। अभी हम कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि कब हो सकता है। सपोज सोचिए यहाँ पे 17 मई जो लॉकडाउन का लास्ट दिन है, 17 मई लॉकडाउन ख़त्म, मतलब कोरोना ख़त्म हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बाद भी हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, उसके बाद भी हमको मास्क यूज़ करना है, उसके बाद भी हमको हैंड वॉश करना है, उसके बाद भी हमको गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। दिस कोरोना वायरस चार बार इस दुनिया में आ चुके हैं। हमारा लास्ट वीडियो को देखिए, 2002 में कोरोना वायरस आया था, 2012 में कोरोना वायरस आया था, 13 में आया था, 19 में भी आया कोरोना वायरस। इतना जल्दी कोरोना वायरस नहीं जाने वाला है। अगर मान लेते 17 मई, उसके बाद 42 डेज ये कोरोना वायरस रहे, तो इसका डेथ आता है अराउंड 29 और 30। अगर 17 मई को भी पकड़ लेते तो 29 होगा, 79, और 17 मई को छोड़ देते तो 30 जून, 30 जून को क्या हो रहा है ना, 30 जून आपका ये कोरोना प्रॉब्लम ख़त्म हो रहा है 42 डेज। समझिए अच्छे से, लॉकडाउन प्लस 42 डेज, 14 14 14, तीन बार अगर रेड ग्रीन होता है, ग्रीन रेड होता है, इसी तरीके से तो 30 जून अराउंड एग्ज़ाम ख़त्म हो, कोरोना प्रॉब्लम ख़त्म होगा। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो, जैसे आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में बोल चुके हैं गवर्नमेंट कि जब इस प्रॉब्लम ख़त्म होगा तो बच्चों को पढ़ने के लिए 10 दिन टाइम दिया जाएगा। अपनी आप लोग पढ़ते रहो, लेकिन 10 डेज एग्ज़ाम के पहले भी आपको टाइम मिलेगा, स्टेट बोल चुके हैं तो 10 दिन, एंड सेंट्रल मिनिस्ट्री भी बोल चुके हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इसको क्लियर किया है कि 10 डेज इसके पहले टाइम मिलेगा। तो अगर 30 जून आते हैं, 30 जून के बाद 10 दिन और बच्चों को टाइम दिया जाता है, तो CBSE, ISC एंड स्टेट बोर्ड का जो एग्जाम है वो कब स्टार्ट हो रहा है, 9th जुलाई, 9th जुलाई थर्सडे आ रहा है, और नहीं तो 10th जुलाई फ्राइडे, आइदर 9 जुलाई स्टार्ट होगा एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, नहीं तो 10th जुलाई बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होगा। अभी बोर्ड एग्जाम खत्म होने के तुरंत बोर्ड एग्जाम अगर कितना दिन चलेगा, ये तो स्टार्ट हुआ। सोचिए कोरोना के लिए अगर गवर्नमेंट चाहते कि नहीं जल्दी जल्दी एग्जाम कर दो, तब भी मिनिमम 7 डेज, 7 डेज के पहले एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा। तो 7 डेज अच्छा से समझिए, पहले 17 मई अगर लॉकडाउन उठते हैं, उसके बाद 42 डेज अगर एक ग्रीन रेड ऑरेंज का प्रॉब्लम ख़त्म होते हैं, 30 जून आएगा, उसके बाद 10 दिन, 10 दिन के बाद CBSE, ISC एंड स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम विल स्टार्ट, तो 9th जुलाई और 10th जुलाई फ्राइडे और थर्सडे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। उसके बाद 7 दिन एग्ज़ाम चलेगा, तो एग्ज़ाम कब ख़त्म होगा, बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म होगा 17th जुलाई,
17 जुलाई अगर बोर्ड के एग्जाम खत्म होते हैं तो जेई के लिए उसके बाद और 7 दिन टाइम देंगे गवर्नमेंट। 7 दिन टाइम देने के बाद तो जेई मेंस का एग्जाम कब हो सकता है? 25 जुलाई सैटरडे है, देख लीजिए 25 जुलाई सैटरडे है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ एग्जाम 26 जुलाई हो सकता है संडे, लिख के रखिए, नोट कीजिए 26 जुलाई संडे जेई का मेन एग्जाम हो सकते हैं। अगर इस कैलकुलेशन को देखें उसके बाद जेई एग्जाम होने में कितना दिन टाइम लगेगा, आप जानते हैं कि जेई एग्जाम होने में मिनिमम 8-10 दिन टाइम तो मिनिमम लगेगा, तो अगर 10 दिन टाइम लगता है तो जेई एग्जाम खत्म होते होते अगर 26 जुलाई को जेई एग्जाम होते हैं तो 5 अगस्त जेई एग्जाम खत्म होगा। अभी 5 अगस्त अगर जेई एग्जाम खत्म होते तो फर्स्ट वीक तो गया अगस्त का, फर्स्ट वीक अगर गए तो सेकंड वीक में 9 अगस्त एक तो डे है जो संडे, 16 अगस्त संडे एंड 23 अगस्त संडे, तो ये जो 9 अगस्त 16 अगस्त और 23 अगस्त ये 3 अगस्त के 3 डेट के अंदर एक डेट में नीट एग्जाम होने का चांसेस है। इसका मतलब 9 अगस्त के पहले एट एनी कंडीशन नीट का एग्जाम नहीं होगा, ये मेरा पर्सनल व्यू है। जो अभी सिचुएशन है आपके सामने सारे सिचुएशन को एक्सप्लेन किए, आप भी खुद समझ सकते हैं कि नीट का जो जून 28 का एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड होकर अगस्त में हुआ है। जून समझिए लॉजिक को, जून 28 को जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के एग्जाम था जून 28 को वो चला गया अगस्त सितंबर को, थर्ड में का एग्जाम कब हो सकता है खुद सोच लीजिए। तो अभी इस जेई का एग्जाम 5 अगस्त अगर होते हैं तो नीट का एग्जाम 9 अगस्त और 16 अगस्त और 23 अगस्त, दैट इज फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में तो कहीं भी नीट का एग्जाम पॉसिबल नहीं है, सेकंड वीक में और थर्ड वीक में ये एग्जाम हो सकता है। लेकिन अगर इस सिचुएशन को थोड़ा सा हम लोग समझे तो मेरे को लगता है कि ये एग्जाम सितंबर फर्स्ट वीक में भी जा सकता है, लेकिन इस कैलकुलेशन के आधार पे एग्जाम किंतु 9th और 16th और 23 अगस्त होने का बहुत चांसेस है। हमने 3-3 बार नीट का कट ऑफ जितना बोले उतना ही आए, तो आज डेट बोल रहा है एंड दिस इज 9th, 16th और 23 अगस्त इस कैलकुलेशन के बेसिस पे, और नहीं तो सितंबर का फर्स्ट वीक में ये एग्जाम हो सकता है प्रोवाइडेड कोरोना सिचुएशन अगर 30 जून तक ठीक हो जाता है, तो 30 जून तक अगर कोरोना सिचुएशन अगर ठीक हो जाता है, बिकॉज कंट्री फर्स्ट, कोरोना सिचुएशन ठीक नहीं होगा तो एट एनी कंडीशन कोई भी एग्जाम नहीं होगा, लेकिन एग्जाम होगा। बहुत आदमी जो बोल रहा है, बहुत चैनल में बोल रहा है कि नहीं एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, एग्जाम पोस्टपोन्ड नहीं होगा, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है उसके एग्जाम ही होगा सितंबर अगस्त के एंड में, बस सितंबर में वो एग्जाम होगा, और एग्जाम नीट NIIT JEE मेंस का एग्जाम भी होगा, जरूर होगा। लेकिन इसमें एक बात मैं पहले बोल चुका हूँ, UGC 27 अप्रैल को वेरी लेटेस्ट UGC 27 अप्रैल को बोल चुके हैं 1 सितंबर न्यू स्टूडेंट का सेशन स्टार्ट होना चाहिए। 1 सितंबर अगर न्यू सेशन स्टार्ट होते हैं तो नीट एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट आउट होगा, काउंसलिंग होगा, वो कितना जल्दी हो सकता है? मिनिमम 15 डेज तो मिनिमम रिक्वायर्ड, 20 डेज तो मिनिमम रिक्वायर्ड। इन दैट केस अभी तक ये चीज़ लेके सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए है गवर्नमेंट इस चीज़ को टाल रहे, UGC इसको रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को भेजे है, लेकिन अभी 1 सितंबर अगर करना चाहते हैं उसको तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इन दैट केस अगर एग्जाम अगर अगस्त में सेकंड वीक में भी खत्म होते हैं आ तो जल्दी जल्दी रिजल्ट निकल के काउंसलिंग स्टार्ट करते तब भी 1 सितंबर किंतु सेशन स्टार्ट करना मुश्किल है, 15 सितंबर ए पॉसिबल हो सकता है। अगर जल्दी नीट का रिजल्ट आउट हो जाए, काउंसलिंग हो जाए, एडमिशन हो जाए तो 15 सितंबर क्लास शुरू हो सकता है मेडिकल का। तो ये है टोटल डेट, इस आज के डेट में हमने बताया, डेट नोट कीजिए अगस्त का सेकंड वीक 9th, 16th, 23rd अगस्त और इन सितंबर नीट एग्जाम हो सकता है। IIT JEE एग्जाम होने का टेंटेटिव टाइम है 26 जुलाई, ये कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं है, ये एंटर सिनेरियो के ऊपर कैलकुलेशन है। अभी ये चीज़ हमने आपके सामने रखा,
अभी इसके बाद भी आपका कुछ डाउट्स है तो NTA का दो टो मोबाइल नंबर है, इसको आप कंफर्म कर, इसमें आप बातचीत कर सकते हैं। दो मोबाइल नंबर को नोट डाउन कीजिए। ओनली पहले बार इस यूट्यूब चैनल में हम लोग NTA का मोबाइल नंबर दे रहा है, इसमें इसको आप लोग नोट डाउन करके रखिए। इससे आप लोग ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलेगा। ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए 8287471852 and another number 8178359845। ये दोनों NTA का नंबर है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नंबर है। आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इस नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये वीडियो कैसे लगा, सारे सिचुएशन को आपको समझाया, UGC का नोटिफिकेशन से स्टार्ट करके एग्ज़ाम डेट तक कैलकुलेशन करके बताया, जे आपका टेंटेटिव एग्ज़ाम अगस्त 9 और 23 हो सकता है, नीट का एग्ज़ाम और September and IIT mains ka exam 26th of July Sunday ko aur 25th of July Saturday ko ho sakte hai. To ye tha video, lekin abhi exam jab bhi hai aap log preparation ko on rakhiye and देखते जाइए पॉल्स बायोलॉजी में, जे हाउ टू क्रैक द नीट, कैसे प्रिपरेशन करेंगे दो महीना में, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो देंगे और इसको क्लास जरूर देखते जाइए। थैंक यू।